वर्मिल इन गोल्ड एपिसोड 3 के पहले सीन में हमें इस एपिसोड का नाम पता चलता है, जिसका नाम है एपिसोड 3 अ ड्रैगन राइडर्स बीटिंग हार्ट। तो पहले सीन में हम वर्मिल को क्रीप को खाते हुए देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर वर्मिल अल्टो को ये भी कहती है कि उसे क्रीप बहुत अच्छा लगा। तो उसी टाइम पर वर्मिल अल्टो को ये भी कहती है कि उसने क्रीप को पहली बार खाया है। और ये सब सुनने के बाद अल्टो कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है। और उसी टाइम पर वो दोनों ही लोग ड्रैगन राइडर को भी देखने लगते हैं। तो उसी टाइम पर अल्टो वर्मिल को कुछ बातें पूछने के लिए आगे बढ़ता है, पर बाद में अल्टो वर्मिल को उस बात को नहीं पूछता है। तो उसी टाइम पर वर्मिल अल्टो को क्रीप खाने के लिए देती है, और हम अल्टो को क्रीप खाते हुए भी देख सकते हैं। और क्रीप को खाने के बाद अल्टो को बहुत अच्छा भी लगने लगता है। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर अल्टो और उसका सारे दोस्तों को ड्रैगन राइडर के बारे में बातें करते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर लिलिया रिक्स के बारे में भी अल्टो को बताने लगती है। तो उसी टाइम पर हम अल्टो का एक दोस्त को ड्रैगन राइडर के बारे में अल्टो को बताते हुए भी देख सकते हैं। और जब अल्टो को ड्रैगन राइडर के बारे में पता चलता है तो अल्टो कुछ देर के लिए शॉक भी हो जाता है। तो उसी टाइम पर वर्मिल अल्टो के साथ बातें करने लगती है, और ये सब देखने के बाद लिलिया को बहुत गुस्सा आने लगता है। तो उसके बाद हम वर्मिल और लिलिया दोनों को ही एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए भी देख सकते हैं। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर लिलिया और एलिना दोनों को ही अपने ड्रेस को चेंज करते हुए देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर लिलिया वर्मिल के बारे में एलिना को भी बताने लगती है। और उसी टाइम पर लिलिया वर्मिल के पावर के बारे में एलिना को भी बताने लगती है। और लिलिया को ये भी लग रहा था कि गोल्ड स्क्वायर का कोई भी लोग वो सब पावर को होल्ड नहीं कर सकता है। तो ये सब सुनने के बाद एलिना लिलिया को ये कहती है कि तुम्हें अल्टो के साथ प्यार हुआ है। और ये सब सुनने के बाद लिलिया साई होने लगती है। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर वर्मिल को बॉयज़ का ड्रेस चेंजिंग रूम पर आते हुए भी देख सकते हैं। और उसी टाइम पर हम सारे बॉयज़ को बहुत शर्माते हुए भी देख सकते हैं। तो ये सब देखने के बाद लिलिया को बहुत गुस्सा आने लगता है। तो उसके बाद हम लिलिया और वर्मिल साथ को ही डिस्कस करते हुए देख सकते हैं, और हम तीनों ही लोग को साथ में चलते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर वर्मिल अल्टो को ये भी कहती है कि तुम गोल्ड स्क्वायर पर कुछ भी टाइम पर पहुंच सकते हो। तो उसी टाइम पर हम स्टूडेंट काउंसिल के सारे मेंबर को उन सारे लोग के सामने आते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर वर्मिल क्रिस को भी देखने लगती है। तो उसी टाइम पर क्रिस बहुत कन्फ्यूज हो जाता है कि क्यों वर्मिल उसको देख रही है। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर अल्टो को नहाते हुए देख सकते हैं। और इसी टाइम पर हम वर्मिल को ही अल्टो के साथ भी देख सकते हैं। और जब अल्टो वर्मिल को अपने सामने देख लेता है तो अल्टो बहुत शर्माने लगता है। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर क्रिस और रेक्स को साथ में देख सकते हैं। और उसी टाइम पर क्रिस को ये भी पता चलता है कि रेक्स ने एक अंडर क्लासमैन के साथ ड्यूएल पर हारा हुआ था। तो ये सब पता चलने के बाद क्रिस रेक्स को मारने लगती है। और कुछ देर तक क्रिस के मार खाने के बाद रेक्स ये कहता है कि वो ड्रैगन राइडर के ग्रुप को अब छोड़ेगा। तो उसी टाइम पर हम क्रिस को अल्टो के बारे में बातें करते हुए भी देख सकते हैं। और उसी टाइम पर क्रिस को अल्टो के फैमिलियर वर्मिल के बारे में भी बातें करते हुए देख सकते हैं। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर रेक्स और उसका दोस्त को हॉस्पिटल पर देख सकते हैं। और रेक्स को मिलने के लिए हम अल्टो, लिलिया और वर्मिल को आते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर रेक्स अल्टो को ड्रैगन राइडर के बारे में भी पूछने लगता है। तो उसके जवाब पर अल्टो ये कहता है कि ड्रैगन राइडर बहुत कूल है। तो उसी टाइम पर अल्टो को ये भी पता चलता है कि क्रिस ने रेक्स को बहुत ज़ोर से मारा हुआ था। तो इसलिए हम अल्टो को क्रिस के साथ ड्यूल करने के लिए जाता हुआ भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हम लिलिया अल्टो को रोकते हुए भी देख सकते हैं। तो उसके बाद अल्टो और क्रिस दोनों के ही बीच पर ड्यूल शुरू हो जाता है। और उसी टाइम पर हम रेक्स का एक दोस्त अल्टो और क्रिस के ड्यूल के बारे में बताने के लिए आता हुआ भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर क्रिस को अल्टो के गोल्डन माना के बारे में भी पता चलता है। तो उसके बाद हम क्रिस को बहुत सारे फायर अटैक अल्टो को फायर करते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हम वर्मिल अल्टो को प्रोटेक्ट करते हुए भी देख सकते हैं, पर वर्मिल को बहुत इंजरी भी आने लगता है। तो
टेक्स अप होने के बाद अल्टो भी अपना अटैक क्रिस के ऊपर मारने लगता है, पर क्रिस बहुत आसानी से ही उन सारे अटैक को डॉज कर लेता है और बाद में क्रिस अपने फैमिलियर को भी इस बैटल पर ले आता है। तो उसी टाइम पर क्रिस अपने फैमिलियर के बारे में अल्टो को बताते हुए भी देख सकते हैं और उसी टाइम पर क्रिस अपने फैमिलियर की स्ट्रेंथ के बारे में अल्टो और वर्मिल दोनों को ही बताने लगता है। तो उसके बाद क्रिस फिर से अपने अटैक अल्टो के ऊपर मारने लगता है और हम स्टीरियन काउंसिल के सारे मेंबर को इन दोनों का ही डुइट को देखते हुए भी देख सकते हैं। तो क्रिस का बहुत सारे अटैक को अपने ऊपर लेने के बाद हम वर्मिल को अपने अटैक को यूज़ करने के लिए रेडी होता हुआ भी देख सकते हैं। तो उसके बाद क्रिस फिर से अपना अटैक को आजमाने लगता है। तो उसी टाइम पर हम अल्टो को रिक्स के साथ हुआ बात के बारे में याद करते हुए देख सकते हैं। तो ये सब बात याद करने के बाद हम अल्टो को क्रिस को अटैक करने के लिए रेडी होता हुआ भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर क्रिस अपनी फैमिलिया के इम्पोर्टेंस के बारे में भी क्रिस को बताने लगता है। तो उसके बाद हम अल्टो को गोल्डन माना को इस्तेमाल करते हुए भी देख सकते हैं। तो उसके बाद इस एनिमे के एंड पर हम क्रिस को फायरबॉल फालते हुए भी देख सकते हैं और उसको काउंटर अटैक करने के लिए हम अल्टो को गोल्डन माना को इस्तेमाल करते हुए भी देख सकते हैं।